घर में जब आपने ये बताया, अच्छा ये पहले बताएं घर में किस नंबर पे, घर में कौन कौन है आपके? मेरे फादर साहब का इंतकाल हो गया है, मेरे घर के अंदर मेरी अम्मा है और मेरे मुझसे दो बड़े भाई हैं, मैं भाइयों में सबसे छोटा हूँ और मुझसे एक छोटी मेरी बहन है। तो बड़े भाइयों का क्या रिएक्शन था जब आपने बोला कि मैं तो कोई काम वाम नहीं करने वाला, मैं जा रहा हूँ एक्टिंग करने? मेरे भाई मेरे साथ बहुत फ्रेंडली हैं और हमारा बिल्कुल फ्रेंडली माहौल है एक दूसरे के साथ, तो वो बहुत ज्यादा सपोर्टिव थे और अम्मा भी बहुत सपोर्टिव थी। जो मुझे मेन ऑब्जेक्शन मिला था वो अब्बू की तरफ से मिला था। अच्छा। लेकिन उसके बाद फिर मैं अब्बू का लाडला था क्योंकि छोटा छोटा बेटा था, तो फिर मैंने उन्हें भी किसी तरह कन्विंस कर ही लिया था। अच्छा चलिए ये तो डिप्लोमेटिक हो गया, अब असल बात बताएं कि कितने जूते पड़े थे जब पहली बार अनाउंस किया? जूते आज तक, बिलीव मी, मेरे फादर ने आज तक मुझे हाथ तक नहीं लगाया था। नहीं नहीं मेरा मतलब था, मैं मजाक की थी, मेरा मतलब था कि फैमिली वालों ने बोला नहीं कि तुम एक अनजान शहर में, वो भी कराची जैसे बड़े शहर में चले जाओगे और तुम अपनी जिंदगी को कुछ, क्योंकि यूजुअली यही रिएक्शन होता है ना फैमिलीज का कि नहीं भाई कोई बिजनेस करो, इंजीनियर बनो, आर्मी में चले जाओ, डॉक्टर बनो, तो कुछ भी, मतलब आपने पहली बार बताया दे वर ऑल सपोर्टिव, सब सही था? हाँ बिल्कुल सपोर्टिव थे। और अब्बू को कराची से इसलिए इनको प्रॉब्लम नहीं थी क्योंकि अब्बू ने अपनी सर्विस नेवी के अंदर कराची के अंदर की थी, तो उस चीज से उनको बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं थी। तो मेन प्रॉब्लम जो उनकी थी कि यार ये तुम कौन सा, मतलब किस फील्ड के अंदर जाना चाह रहे हो। Okay. उनको फिर मैंने कन्विंस किया था कि किसी तरह से कि यार लेट मी टेक अ चांस, अगर कुछ ना हुआ एडवेंचर है, एडवेंचर समझ लीजिए। अच्छा आपके फादर नेवी में होते थे? जी जी मेरे फादर नेवी से थे, फिर उन्होंने रिजाइन कर दिया था वहां से। तो आपने ट्रैवल किया हुआ है या आप, क्योंकि नेवी जो आर्म फोर्सेस में यूज़ होते हैं, नेवी आर्मी या एयरफोर्स में, तो वो लोग घूमते हैं फैमिली, तो आपने ट्रैवल किया हुआ है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस या आप लोग? नहीं मेरे पैदा होने से पहले मेरे वाले ने रिजाइन कर दिया था। ओके ठीक है ठीक है। अच्छा तो मुझे ये बताएं कि जब आप कराची पहुंचे तो फिर क्या हुआ, कराची कैसा था, कराची वेलकमिंग है क्या, वो मुझे सुनना है कि जब कराची पहुंचे तो क्या क्या हुआ। कराची मिनी पाकिस्तान है, आपको यहाँ हर एथनिसिटी का बंदा मिलेगा, आपको प्रॉब्लम नहीं होती है, मतलब आप कनेक्ट कर सकते हैं लोगों के साथ, आपको पख्तून भी मिलेगा, आपको सिंधी भी मिलेगा, पंजाबी भी मिलेगा, बलोच भी मिलेगा, आपको हर बंदा मिलेगा, तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। कराची बहुत वेलकमिंग सिटी है और कराची एक हिसाब से मेरा लव है। ओके डू यू मिस कराची आजकल? बिल्कुल आई मिस इट। तो मुझे ये बताइए कि जब, अब माशाल्लाह से हर किसी को मालूम है कि गुलजार कौन है, जब आप जाते हैं बाहर तो फैंस का क्या रिएक्शन होता है, कोई हमें फैन का रिएक्शन शेयर करे जो इतना शॉकिंग था या इतनी मजे का था कि आपने कहा यार मैं सोच भी नहीं सकता था कि ऐसा होगा। एक जो मतलब मेरी जिंदगी का सबसे बेहतरीन एक्सपीरियंस था जिसके बारे में मतलब मैं सोचता हूँ तो मुझे लगता है कि हाँ मैंने कुछ किया है, वो एक बच्चा था, वो मियांवाली से ट्रेवल करके यहाँ मेरे शहर तक आया है अपने फादर के साथ, उसके कोई रिलेटिव्स थे जहाँ, उनके जरिए से वो मेरे घर तक आया है। बच्चा मुझे अब मुझे मिलने आया हुआ है, मैं बाहर गया हूँ और बच्चा मुझे देख रहा है और उससे बोला कुछ नहीं था, मतलब ये मेरी जिंदगी का ऐसे समझ लें मतलब तो मैंने कुछ किया है, कंप्लीटिंग एक्सपीरियंस था, कंप्लीट कर दिया था उसने मुझे। वाकई ये तो बहुत टचिंग एक्सपीरियंस होगा टू सी समवन, जो एक बच्चा इतनी आपको उससे देख रहा है। फीमेल फैन भी बहुत ढेर सारी हो गई होंगी अब तो, आपको भी आते हैं डीएम में रिश्तों के पैगाम आते हैं आपको इंस्टाग्राम पे? बिल्कुल आते हैं, बिल्कुल आते हैं। लेकिन औरतों की इज्जत करना सिर्फ गुलजार हुसैन के ईमान का हिस्सा नहीं है, अदनान जावेद खान के ईमान का भी हिस्सा है। ओके ओके अदनान मुझे बताइए कि ये स्क्रिप्ट आप तक पहुंचा कैसे, अहदे वफा कैसे आप तक पहुंचा? अहदे वफा इस तरह से पहुंचा कि मुस्तफा आफरीदी साहब जो हमारे राइटर हैं जी जी, उनकी एक डिमांड थी कि ये कैरेक्टर एक सराइकी एक्टर ही प्ले करेगा। ओके तो उन्होंने ऑडिशंस वगैरह लिए, ऑडिशंस के अंदर उन्हें कोई पसंद नहीं आया, तो मेरे एक दोस्त के थ्रू जो हम के अंदर आर्ट डायरेक्टर के तौर पर भी काम करते हैं और वो फ्रीलांसिंग वगैरह भी करते हैं, उनके थ्रू ये स्क्रिप्ट मेरे पास आया और मैंने एक ऑडिशन टेप बना के भेजा था जिसकी बेस के ऊपर मेरी सिलेक्शन हुई। तो उस कैरेक्टर को लेने से पहले आपने अदनान ये नहीं सोचा कि ये दिस इज नॉट वन ऑफ द मेन कैरेक्टर्स, मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? और फिर ये भी कि माशाल्लाह से कास्ट एक दो नहीं, फुल फ्लेश्ड, इतनी बड़ी कास्ट, हर कोई बड़ा नाम जो हमारी इंडस्ट्री का है वो उस ड्रामे में था,
तो इस चीज ने आपको रोका नहीं? इस चीज से मुझे प्रॉब्लम इस वजह से नहीं थी क्योंकि इस कैरेक्टर के अंदर पोटेंशियल इतना ज्यादा था, मेरे पास मार्जिन इतना ज्यादा था कि मुझे पता था मैं खुल के खेल सकता हूँ। वही चीज थी जिसने मुझे अट्रैक्ट किया इस कैरेक्टर के लिए। लेकिन थोड़ा सा प्रेशर फील हो रहा था कि आज अजामीर? प्रेशर तो बिल्कुल बिल्कुल, मेरा डेब्यू था टीवी के ऊपर, मेरा पहला काम था और फिर इतने बड़े बड़े लोगों के साथ, इतने बड़े मतलब वेल एस्टैब्लिश्ड स्टार्स हैं वो, और सैफ भाई के साथ काम करना, मतलब प्रेशर तो था, बिल्कुल था। तो अच्छा, मतलब जब घर वालों को बताया कि यार मुझे ये ऑफर आई है, मैं आज अजामीर और सैफी साहब और इन सब के साथ काम करूंगा, उनका क्या रिएक्शन था? घर वाले बहुत खुश थे, बहुत खुश हुए थे, मुझसे ज्यादा खुश हुए थे घर वाले मेरे। हाँ, और आप भी होंगे कि शुक्र है अल्लाह ने इज्जत रख ली, जो मैं इतना बोल रहा था मेरे पास इतना अच्छा प्रोजेक्ट आ गया। बिल्कुल बिल्कुल, वो घर वालों को भी यही खुशी थी कि इतना बड़ा रिस्क जो हमने लिया है उसका कोई ना कोई फायदा तो हुआ है। ओके, तो मुझे ये बताएं कि जब आप पहला सीन कौन सा था आपका, एहदे वफा का सबसे पहला सीन कौन सा शूट किया था? सबसे पहला सीन हमने शूट किया था जिसके अंदर मेरी मूंछें शेव हो रही होती। वो पहला सीन काफी मुश्किल सीन है बाय द वे। वो जी, वो पहला ही सीन था जिसे वो सीन हुआ शूट हुआ। हाँ, और आहद से आप कब मिले पहली बार? जब मिले तो कैसा था आहद से मिले? आहद के साथ मैं उसी वक्त ही मिला था पहली बार सेट के ऊपर। ओके, वो आए थे और फिर हमारा वो सीन शूट हुआ था। क्योंकि आपकी और आहद की जो बॉन्डिंग और केमिस्ट्री थी वो बहुत जबरदस्त थी, यू नो, बहुत नेचुरल फ्लो कर रही थी। सो कुछ आप लोगों ने उससे पहले सेशंस किए थे एक दूसरे के साथ, चाय कॉफी पे गए या नहीं, शूट पे ही डायरेक्टली मिले और वहीं से एक बॉन्ड हो गया? अगर आप देखें गुलजार और साद की जो दोस्ती है वो भी वहीं से शुरू होती है, और अदनान और आहद की दोस्ती भी वहीं से शुरू होती है, तो वो दोनों दोस्तियां उसी तरह ही टाइम लेके चली हैं। ओके ओके, अदनान, आई हैव टू गिव यू क्रेडिट फॉर दिस। मेरा नहीं ख्याल कि बहुत ज्यादा नए एक्टर्स इतनी कंफर्टेबली इतनी बड़ी कास्ट के साथ ऐसा रोल लेंगे, बट यू टुक द चांस एंड माशाल्लाह से इट पेड ऑफ, यू नो। थैंक यू। स्क्रिप्ट में क्या ऐसी चीज थी जो आपको सबसे ज्यादा अट्रैक्ट की, जिसपे आपने सोचा कि मुझे तो ये रोल करना ही करना है? जो सबसे ज्यादा प्यारी चीज थी उस कैरेक्टर की वो था उसका आर्क, कि जिसका स्टार्ट होता है ही इज अ नोबडी फ्रॉम तौसा शरीफ, उसके लहजे के अंदर एक्सेंट आता है, उसको पता नहीं है कि मैंने कैसे डील करना है, और उसके बावजूद फिर जिस वक्त आप उसको देखते हैं एंड के अंदर, तो ही इज अ कम्प्लीटली चेंज्ड कॉन्फिडेंट मैन। वो चीज थी कि मैंने कहा कि यार ये मैंने करना है, आई वॉन्ट टू शो इट स्टेप बाय स्टेप। कभी आपने सोचा था जिस वक्त आपने वो स्क्रिप्ट पकड़ा और जब आप कर भी रहे थे, आपने आपके दिमाग में ये था कि मैं, मतलब जो लोग आपके साथ काम कर रहे हैं, आहद रजा, मीर, उस्मान खालिद भट्ट, वो तो एक बड़े नाम ऑलरेडी हैं, आपने सोचा था कि आप भी बराबर के इतने मशहूर हो जाएंगे और हर जगह मीम्स बन रही होंगी, हर जगह ट्वीट्स हो रही होंगी गुलजार पे, ये कभी सोचा था जब स्क्रिप्ट हाथ में आया था? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये उस वक्त मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था। मुझे ये अंदाजा था कि जो हमारा सराइकी बेल्ट है वो इसे बिल्कुल पसंद भी करेगा और एनकरेज भी करेगा, लेकिन जो मुझे नेशन वाइड रिस्पांस मिला है वो ओवरवेलमिंग था मेरे लिए। किस वक्त आपको रियलाइज हुआ, क्या ऐसी ट्वीट हुई, क्या ऐसा मैसेज आया, क्या क्या हुआ आपको रियलाइज हुआ कि यार मेरा तो कैरेक्टर इतना मशहूर हो गया है? जैसे मैंने पढ़ा एहदे वफा की जान गुलजार गुलजार, ऐसे मैंने ट्वीट्स पढ़े हैं, मैंने ऐसे मैसेजेस पढ़े हैं, किस टाइम पे आपको रियलाइज हुआ कि वाओ ये तो एक यू नो फिनोमेना बन गया है? पहले एपिसोड के बाद जिस वो कैरेक्टर वायरल हुआ है, मुझे अंदाजा हो गया था कि ये लोगों को बिल्कुल पसंद आया है और मेरी मेहनत पेड ऑफ है।